types of teeth. In previous class, you learn about types of teeth, different types of teeth, upper and lower jaw. In your mouth, there are four different kinds of teeth depending on their function. आप लोगों ने पिछली जो क्लास थी उसमें आपने इनके नाम पढ़ लिए थे और इनके बारे में जाना था कि ये चार प्रकार के होते हैं, फोर टाइप्स के होते हैं, हमारे अपर और लोअर जॉ में होते हैं. इनके नेम है इंसाइजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स. अब इनके बारे में डिस्क्रिप्टिव जानेंगे कि ये हमारे लिए क्या फंक्शन करते हैं. ओके, टाइप्स ऑफ टीथ. इंसाइजर, तो फर्स्ट अपन इंसाइजर के बारे में जानेंगे. दे आर द फ्रंट टीथ इन द माउथ. दे आर फ्रंट टीथ, ये सबसे आगे होते हैं, फ्रंट टीथ होते हैं माउथ में. दे आर यूज टू बाइट एंड कट इन टू फूड. ये क्या करने के काम आते हैं, हमारे फूड को बाइट करने के काम आते हैं, कट करने के काम में आते हैं. दे कॉल्ड कटिंग टीथ, क्योंकि ये कट करते हैं और बाइट करते हैं तो इनका नाम कटिंग टीथ भी होता है. देयर आर फोर इंसाइजर्स इन ईच जा. हमारे दोनों जबड़ों में कितने होते हैं, फोर होते हैं ये इंसाइजर्स. देन कैनाइंस. कैनाइंस क्या होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन आइदर साइड ऑफ द इंसाइजर. इंसाइजर के पास में कैनाइंस प्रेजेंट होते हैं. दे आर यूज फॉर ग्रास्पिंग और टीयरिंग फूड. किसी भी फूड में ग्रास्पिंग करने के लिए और टीयरिंग, उसको अच्छे से खींचने या उस, क्योंकि ये पॉइंटेड होते हैं ना, तो टीयर करने के काम में आते हैं. दे आर लॉन्ग एंड पॉइंटेड. इनका ये लॉन्ग और पॉइंटेड होता है, जैसे अपनी कोई लॉन्ग और पॉइंटेड चीज़ होती है जो हमारी कोई चीज़ अंदर की ओर चली जाती है उसको निकालने में हेल्प करते हैं, ऐसे ही ये लॉन्ग एंड पॉइंटेड इनका शेप होता है और टीयरिंग करने में काम आते हैं, इसलिए इनको टीयरिंग टीथ कहते हैं. देयर आर टू कैनाइंस ईच जा. इनका नंबर कितना होता है, ये दोनों जा में टू प्रेजेंट होते हैं. Then premolars. Premolars क्या होते हैं, दे आर प्रेजेंट नेक्स्ट टू द canines. Canines के बाद में क्या प्रेजेंट होते हैं, premolars. दे हैव फ्लैट सरफेस. देखो इनकी सरफेस भी आपको दिखाई दे रही है, फ्लैट होती है. दे आर यूज फॉर क्रशिंग फूड, क्रश करने के, चूरा चूरा जिसको कहते हैं ना, कि एकदम बारीक बारीक तोड़ने के लिए, क्रश करने के लिए फूड को ये यूज करते हैं. There are four premolars in each jaw. इनका नंबर कितना होता है अपनी जॉ में, अपने दोनों जबड़ों में इनका फोर नंबर, दोनों जॉ में फोर नंबर होता है. Then molars. They are present next to the premolars. Premolars के बाद में molars present होते हैं. They have bigger and flatter surface as कंपेयर टू द प्रीमोलर्स. प्रीमोलर्स से भी ज़्यादा इनकी चौड़ी या फ्लैट सरफेस होती है. और ये यूज किस लिए होते हैं, ये हमारा माउथ यूज करता है ग्राइंडिंग फूड, फूड को ग्राइंड बिल्कुल बारीक बारीक पीसने में काम करता है, इसीलिए इनका नाम ग्राइंडिंग टीथ भी कहलाते हैं. देयर आर सिक्स मोलर्स इन ईच जॉ. और ये कितने होते हैं, दोनों जॉ में मिला के सिक्स दोनों जॉ में प्रेजेंट होते हैं. तो ये आपने अभी जाने इंसाइजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, इनको क्या बोलते हैं और इनके जो नाम है वो इनके फंक्शन के अकॉर्डिंग है, ये आपने जाना, और इनके नंबर्स कितने होते हैं. देन एक बार इस टेबल से, अगर आप इस टेबल को लर्न कर लोगे या अपनी कॉपी में बना लोगे, तो इस टेबल से भी आपको अच्छे से एक बार में सामने आपके फ्रंट शो रहेगा कि ये अपर जॉ में कितने इंसाइजर्स होते हैं, कैनाइंस कितने होते हैं, प्रीमोलर्स कितने होते हैं, मोलर्स कितने होते हैं, लोअर जॉ में कितने होते हैं, ये टोटल नंबर. तो देखो, नंबर ऑफ टीथ इंसाइजर्स, अपर जॉ में इंसाइजर कितने होते हैं, फोर, और कैनाइंस होते हैं टू, प्रीमोलर्स फोर एंड मोलर्स सिक्स, एंड टोटल इनका नंबर हो गया 16. अगर हम इंसाइजर्स के अपर जा और लोअर जा दोनों में मिलाएं तो 4 दोनों में होते हैं और 8 नंबर होता है. कैनाइंस को देखें तो ये 2 प्रेजेंट होते हैं ईच जा.
और इनका टोटल नंबर होता है 4। देन प्री मोलर्स होते हैं 4-4 इन ईच जा, देयर टोटल नंबर इज 8। देन मोलर्स आर प्रेजेंट 6-6 इन ईच जा, देयर आर 12 इन नंबर्स, टोटल नंबर आर 12। देन अगर इनको अपर जा और लोअर जा को पूरे सब टीथ प्रीमोलर्स इंसाइजर्स कैनाइंस मोलर्स को मिलाएं तो 16-16 दोनों जा में प्रेजेंट होते हैं एंड बोथ जा 16 इन ईच जा, देन टोटल नंबर ऑफ टीथ आर 32। ओके, देन टूथ डिके। अब टूथ डिके क्या होता है? टूथ डिके मतलब अगर आप अपने दांतों की प्रॉपर केयर नहीं करते हो, क्योंकि मिल्क टीथ के प्लेस पर परमानेंट टीथ आ जाते हैं आपके एक एज के बाद में, जब आप 6-7 इयर्स ओल्ड होते हो उसके बाद, और धीरे धीरे एक एक करके आपके आने लग जाते हैं, जैसे इंसाइजर्स है, कैनाइंस है, मोलर्स है, प्री मोलर्स ही आ जाते हैं, लेकिन उनकी प्रॉपर केयर ना होने के कारण वो क्या उनमें कैविटी बन जाती है और वो गिरने लग जाते हैं और उनके प्लेस पर आपके दोबारा से टीथ नहीं आते हैं। तो इफ यू डू नॉट टेक केयर ऑफ परमानेंट टीथ, इट मे डिके एंड फॉल आउट। पहले उसमें से स्मेल आने लग जाती है, खराब होने लग जाते हैं और गिर जाते हैं। वंस परमानेंट टीथ फॉल आउट, न्यू टीथ विल नॉट ग्रो टू रिप्लेस इट। जब भी कभी परमानेंट टीथ फॉल हो जाते हैं, अगर गिर जाते हैं या निकल जाते हैं, तो उनके प्लेस पर न्यू टीथ नहीं आते हैं। ये आपको हमेशा याद रखना, यू शुड रिमेंबर इट। लेट अस नो व्हाई द टीथ डिकेज वाइल ईटिंग फूड। टीथ डिके कैसे हो जाता है? जब कभी भी आप कोई भी खाना खाते हो तो स्मॉल पीसेस फूड के कहाँ रह जाते हैं? आपके दांतों में रह जाते हैं, गेट स्टक बिटवीन अवर टीथ। इफ वी डोंट रिमूव दिस स्मॉल पीसेज ऑफ फूड, अगर हम उनको नहीं रिमूव करते हैं प्रॉपर तरीके से, मुंह को वॉश नहीं करते हैं, ब्रशिंग नहीं करते हैं और अच्छे से उनकी केयर नहीं करते, तो हमारे वो पीसेस क्या हो जाते हैं, उनमें जर्म्स विल ग्रो ऑन इट, उनमें जर्म्स अब डेवलप होने लग जाते हैं। देन एसिड प्रोड्यूस बाय दीज जर्म्स, और वो जर्म्स क्या करते हैं, एक एसिड प्रोवाइड करते हैं जिससे वो अपने एसिड हमारी टीथ के एनेमल को हार्म कर देती है। एनेमल को क्या करती है? हार्म करती है, मतलब उनको खराब कर देती है। आफ्टर सम टाइम स्मॉल होल्स कॉल्ड कैविटीज विल फॉर्म ऑन द टीथ। जब कभी भी हमारे ऐसे जम्स आ जाते हैं तो हमारे दांतों में क्या बन जाती है? स्मॉल होल्स हो जाते हैं, छोटी छोटी कैविटीज बन जाती हैं, होल्स हो जाते हैं उनमें और ब्लैक ब्लैक होने लग जाते हैं दांत। द जम्स कंटिन्यू अटैक, और जर्म्स उसके बाद कंटिन्यू अटैक करते रहते हैं टीथ से, क्योंकि उनको उसमें खाना मिल जाता है, फूड मिल जाता है और रहने की जगह भी मिल जाती है, तो वो आराम से हमारे दांतों के बीच में रहते रहते हैं और खाते रहते हैं और हमारी दांतों के एनेमल को ख़त्म करते जाते हैं। किससे ख़त्म हो जाता है? एसिड से। कंटिन्यूस टू बिकम बिगर एंड बिगर, और बहुत ज़्यादा बिगर होती है तो वो पल्प तक पहुँचती है, पल्प के बाद रूट में, आपने टूथ का स्ट्रक्चर पढ़ा था ना, तो वो फिर रूट तक को खराब कर देती है। इट स्टार्ट्स हर्टिंग, और फिर हमें दर्द होने लग जाता है। व्हेन कैविटी रीचेस द पल्प, जब पल्प तक मसूड़े तक पहुंचती है तो हमारे दर्द होने लग जाता है, इट स्टार्ट हर्टिंग। देन टेक केयर ऑफ अवर टीथ, अगर हमको अपने दांतों को टूथ डिके से बचाना है तो हमें क्या करना चाहिए? अपने प्रॉपर दांतों की देखभाल करनी चाहिए। ब्रश टीथ ट्वाइस ए डे, हमें ये तो ध्यान ही रखना है, ऑलवेज ब्रश टीथ ट्वाइस ए डे, दिन में दो बार ब्रश करना है, मॉर्निंग एंड नाइट आफ्टर गोइंग टू बेड, बिफोर गोइंग टू बेड सॉरी। ब्रशिंग रिमूव्स द स्मॉल पीसेज ऑफ फूड स्टक बिटवीन अवर टीथ। ब्रशिंग करने से क्या हो जाता है? ब्रशिंग करने से आपके जो फूड के पार्टिकल्स बीच बीच में फंस जाते हैं, स्टक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, वो निकल जाते हैं, इसलिए ब्रशिंग करना जरूरी होता है। देन ईटिंग वी शुड वॉश अवर माउथ विथ आफ्टर एंड हैविंग एवरी मील, जब भी कभी आप खाना खाओ तब भी आपको अपने पानी से अच्छी तरह से मुंह को वॉश करना चाहिए, जिससे उसमें जो भी फूड पार्टिकल्स हैं वो उसी समय
निकल जाए। ईटिंग टू मच चॉकलेट्स एंड स्वीट्स कैन डैमेज अवर टीथ। आप ज़्यादा चॉकलेट और स्वीट मिठाइयाँ खाओगे वो भी आपके दांतों को हार्म करती है, क्योंकि वो स्टिकी होती है, उनमें स्टिक कर देती हैं, दांतों में स्टिक हो जाती हैं, तो उनमें जर्म्स ग्रो हो जाते हैं, क्योंकि वो आसानी से पानी से भी नहीं निकलती हैं, स्टिक हो जाती हैं। तो वी शुड ईट फूड रिच इन विटामिन ए एंड कैल्शियम सच एज मिल्क। ऐसे हमको फूड आइटम लेने चाहिए जो कि विटामिन ए से भरपूर हो, जिससे आपके दांतों को वो हेल्प करते हैं, कैल्शियम हो जिसमें एज मिल्क, जैसे मिल्क आपको इसीलिए कहा जाता है कि मिल्क आपको एवरी डे लेना चाहिए जिसमें आपको कैल्शियम मिलता है। एग्स एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, और एग्स में भी आपको विटामिन ए एंड कैल्शियम मिलता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी खाने से आपको ये सारे कैल्शियम और ये मिनरल्स मिलते हैं। वी मस्ट रेगुलरली विजिट डेंटिस्ट टू चेक फॉर एनी डैमेज टू अवर टीथ। हमें रेगुलरली 1 month, 6 months, ऐसे 3 months एक अपने डेंटिस्ट के पास जाने का रिकॉर्ड बुक बनानी चाहिए और चेक कराते रहना चाहिए, जिससे हमारे डैमेज टीथ का हमें मालूम पड़ता रहे, डेंटिस्ट हमें उसकी जानकारी देते रहते हैं। ओके, देन डेंटिस्ट किसको बोलते हैं, जो दांतों के डॉक्टर होते हैं। देन माइक्रोब्स क्या होते हैं, अब टूथ डिके किससे स्टार्ट होता है, जर्म्स से होता है, जर्म्स को ही हम माइक्रोब्स बोलते हैं, क्योंकि आपका चैप्टर था ना टीथ एंड माइक्रोब्स, तो आपने टीथ के बारे में तो सब जान लिया कि टीथ क्या हैं, टीथ कितने टाइप्स कितने हैं, मिल्क टीथ, परमानेंट टीथ, देन स्ट्रक्चर ऑफ टूथ, देन टाइप्स ऑफ टीथ, ये सब आपने जाना। अब हम पढ़ेंगे उसी चैप्टर में माइक्रोब्स क्या होते हैं। माइक्रोब्स उनको बोलते हैं, माइक्रोब इज ए वेरी स्मॉल लिविंग थिंग, बहुत स्मॉल होते हैं लेकिन लिविंग थिंग होते हैं। जर्म्स जिनको अपन बोलते हैं ना, बैक्टीरिया, वायरस, जिनको आप विच यू कैन नॉट सी इफ यू यूज ए माइक्रोस्कोप, अगर आप माइक्रोस्कोप या लेंस का यूज नहीं करो तो आप इनको देख नहीं सकते, बहुत छोटे होते हैं। दे आर फाउंड, इसीलिए इनका नाम माइक्रोब्स होता है, दे आर फाउंड एवरीवेयर, ये सभी जगह होते हैं, इन एयर, इन वाटर, इन सॉइल, इन इवन इनसाइड अवर बॉडी, बॉडी तक में होते हैं, क्योंकि जब आपको अभी टूथ डिके आपने पढ़ा तो उसमें भी जम्स आ जाते हैं ना, ऐसे ही एयर में भी, इसीलिए फ्रेश एयर में स्मेल जहाँ आती है उसके लिए मना करते हैं, क्योंकि एयर में जहाँ बैड स्मेल आती है वहाँ पर क्या होते हैं, जम्स, माइक्रोब्स होते हैं। इन वाटर, वाटर आल्सो प्रेजेंट, मिट्टी में भी रहते हैं। सम माइक्रोब्स आर यूजफुल टू अस, कुछ हमारे लिए बहुत यूजफुल होते हैं, वेयर सम आर हार्मफुल, और कुछ हमारे लिए बहुत हानिकारक होते हैं, हार्मफुल होते हैं। हार्मफुल माइक्रोब्स कैन कॉज डिसीजेज, जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं वही हमारे लिए बीमारियां लेकर आते हैं, डिसीजेज लेकर आते हैं। दीज डिसीजेज कॉजिंग माइक्रोब्स आर कॉल्ड जर्म्स, ये डिसीज जो होती हैं जो माइक्रोब्स के थ्रू आती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, जर्म्स बोलते हैं। द फोर मैन काइंड्स ऑफ माइक्रोब्स आर बैक्टीरिया, इनके नाम है, माइक्रोब्स के क्या नाम है, बैक्टीरिया होते हैं, इनको इनमें डिवाइड किया, जैसे अपन ने टाइप्स ऑफ टीथ को डिवाइड किया ना, टीथ बोलते हैं, और टीथ के अगर टाइप्स कोई पूछे तो हम बोलते हैं इंसाइजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर्स, मोलर्स, देन ये भी इनके भी फोर काइंड्स होते हैं, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड वायरसेस, ये इनके टाइप्स हैं, इनके इनको भी आप अलग अलग डिस्क्रिप्टिव जानोगे। देन फर्स्ट यू लर्न अबाउट बैक्टीरिया, बैक्टीरिया क्या होते हैं ये देखो, इनके शेप ऐसे होते हैं, बैसिली, कोकाई, इनके नाम है, जब आप आगे बड़ी क्लासेस में स्टडीज करोगे तो इनके स्ट्रक्चर भी जानोगे, लेकिन अभी सिर्फ ओनली आपको जानना है व्हाट इज बैक्टीरिया, बैक्टीरिया क्या होते हैं, ये इनके नाम है और इनके शेप और ये इनका स्ट्रक्चर ये है। बैक्टीरिया आर द मोस्ट कॉमन लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ, बैक्टीरिया बहुत कॉमन लिविंग थिंग है जो कि अर्थ पर रहते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते, एयर में भी होते हैं, वाटर में भी होते हैं, सॉइल्स में भी होते हैं, एवरीवेयर। दे आर डिफरेंट शेप्स एंड साइज, इनके देखो ये डिफरेंट दिख रहे हैं, गोल हैं, ओवल है, और ये कैसे सर्पिलाकार, सीढ़ी जैसे ऐसे लंबे ऐसे होते हैं, एवरीवेयर। देयर आर बोथ गुड एंड बैड बैक्टीरिया, ये दोनों टाइप के होते हैं, गुड भी होते हैं और बैड भी बैक्टीरिया होते हैं। दे आर हार्मफुल एंड यूजफुल,
बैक्टीरिया कॉजेज डिसीज लाइक टाइफाइड, बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज। अरे रुक जाओ, मैं काट दूंगी ये बीच में, मास्क। बैक्टीरिया से होने वाली आपकी कौन सी डिसीजेज हैं? बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज हैं टाइफाइड। जो टाइफाइड आपको होता है, जिसमें फीवर होता है, ये आपको बैक्टीरिया के थ्रू आता है। देन टिटनस, टिटनस एंड फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग हो जाती है कभी कभी, जो कि आपको डायरिया और ये लाती है। फूड पॉइजनिंग भी इसी के थ्रू होती है। बैक्टीरिया आल्सो कॉजेज टूथ डिके। फूड पॉइजनिंग में क्या होता है, आपका बहुत डिहाइड्रेशन हो जाता है, कभी आपको बहुत उल्टी हो जाती है, वॉमिटिंग, कभी लूज मोशन, ये सब हो जाते हैं, पेट दुखता है, ये सब। तो बैक्टीरिया ये सब डिसीजेज लाते हैं। अगर आपको बैक्टीरिया से स्प्रेड होने वाली डिसीजेज के नाम पूछे तो आप बता सकते हो टाइफाइड, टिटनेस, फूड पॉइजनिंग एक्सेट्रा। बैक्टीरिया आल्सो कॉजेज टूथ डिके। टूथ डिके में भी ये लेकर आते हैं, मतलब हमारे टूथ को भी डैमेज करते हैं, उनके एनमल को डैमेज करते हैं, कैविटी बना देते हैं। गुड बैक्टीरिया हेल्प्स इन डिकेइंग रिमेंस ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि प्लांट्स और एनिमल्स में अपना घर बनाते हैं, और उनको क्या करते हैं, उनको जो हार्ड सब्सटेंसेस होते हैं उनको तोड़ देते हैं, उस एकदम जैसे सॉल्यूबल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब जो कि जिनका स्ट्रक्चर सॉल्यूबल होता है, प्लांट्स को भी हेल्प हो जाती है और उनको भी हेल्प मिल जाती है। दे आर आल्सो मिट्टी को भी वो कैसे बना देते हैं, ग्रोइंग बना देते हैं, क्योंकि मिट्टी में मिल जाते हैं तो मिट्टी कैसी हो जाती है उनमें, उनको जैसे हमको फ्लो करते हैं तो हम मिट्टी को ऊपर नीचे सब करते हैं ना, और उनमें जो खाद वगैरह डालते हैं तो उसमें जो सब्सटेंसेस होते हैं तो उनको तोड़ने का भी काम करते हैं। दे आर आल्सो यूज इन मेकिंग फूड प्रोडक्ट्स सच एज चीज, विनेगर एंड योगर्ट। ये किसमें, जो आप दही जमाते हो दूध का, तो ये गुड बैक्टीरिया होता है, क्योंकि हमको जब भी दही जमाना होता है तो हम क्या करते हैं, दूध में थोड़ा सा दही मिला देते हैं। दही में क्या होता है, बैक्टीरिया होता है, तो जो पहले से थोड़ा सा दही होता है उसमें बैक्टीरिया है, वो हमारे दूध में मिल जाता है और वो दूध हमारा दही के रूप में, ऐसी चीज बनाने में, विनेगर बनाने में, इनमें भी हेल्पफुल बैक्टीरिया होते हैं। तो गुड बैक्टीरिया आपने जाने, जो कि चीज मेकिंग, विनेगर एंड योगर्ट, दही, ये बनाने के काम आते हैं। बैड बैक्टीरिया आपके लिए डिसीजेस लेके आते हैं, या हार्मफुल बैक्टीरिया आपको डिसीज देते हैं। देन फंगी क्या होती है, देखो फंगी दिखने में तो बड़ी सुंदर सी लगती है, लेकिन सबसे ज़्यादा हार्मफुल होती है फंगस किसी भी चीज़ पर। ये हमेशा कहाँ पर लगती है, ये हमेशा ऐसी जगह लगती है जहाँ पर कि गीली वुड हो, गीले कपड़े, या ऐसे लेदर आइटम, या जहाँ भी ऐसे नमी वाली जगह होती है। नमी मतलब जहाँ पर कि पानी हो, भरा हुआ हो, और या फिर जैसे अपन के तुमने देखा होगा ब्रेड या रोटी पुरानी रह जाए, तो एक दिन पुरानी हो जाए और बारिश के दिन हो, तो दो दिन बाद तुम देखोगे उसमें वाइट या ब्लैक कलर की स्पॉट्स दिखाई देने लग जाते हैं, वो ब्लैक एंड वाइट स्पॉट क्या होते हैं, फंगी कहलाते हैं। फंगी हेल्प्स इन कैरिंग आउट द डीकम्पोजिशन ऑफ डेड रिमेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। ये ऑलवेज डेड प्लांट्स पर लगती हैं, डेड एनिमल्स पर, डेड प्लांट की बॉडी पर, जैसे लेदर पर, या वुड जो होती है पुरानी लकड़ी फूल ऐसी हो जाती है फंगस वाली, उसमें ही ये फंगस डेड रिमेंस ऑन द प्लांट्स एंड एनिमल। दे कैन कॉजेज स्किन प्रॉब्लम्स। इनसे स्किन प्रॉब्लम हो जाती है, फंगस अगर हमारे स्किन पर इन्फेक्ट, स्किन पर कभी लग जाए या स्किन पर इन्फेक्शन लग हो जाते हैं, तो स्किन में रिंग वर्म वगैरह, ऐसे डैंड्रफ, ये हमारे बॉडी में आ जाती है। ये किसके कारण होती है, इसके कॉजेज क्या है, फंगी के कारण आते हैं, रिंग वर्म वगैरह। कई बार बॉडी पर आपके ऐसे हो जाते हैं ना, गोल गोल और खुजली खुजली होने लग जाती है, दैट इज कॉल्ड रिंग वर्म। यीस्ट इज ए फंगस विच इज यूज इन मेकिंग ब्रेड। ब्रेड बनाने के लिए जो यीस्ट है वो यूजफुल होती है, लेकिन वो क्या करती है, यीस्ट जो फंगस का नाम ही है, जो कि ब्रेड को बेक करने के काम आती है, ये भी कई जगह यूजफुल भी होती है। देन प्रोटोजोआ क्या होते हैं,
आपने फोर टाइप्स पढ़े थे ना, बैक्टीरिया पढ़ लिया, फंगी पढ़ लिया, अब प्रोटोजोआ। सॉरी, प्रोटोजोआ लिव्स इन द सी, इन रिवर्स, लेक्स और स्टैग्नेंट पॉन्ड्स ऑफ फ्रेश वाटर। प्रोटोजोआ ऑलवेज कहाँ रहते हैं? पानी वाली जगहों पर, जहाँ पर कि पानी होता है, जैसे सी में भी होते हैं, समुद्रों में भी, रिवर्स नदियों में भी होते हैं, लेक्स झील और स्टैग्नेंट कई बार इकट्ठा जो पानी हो जाता है तालाबों में और वैसे, तो फ्रेश वाटर वैसे मिनरल वाटर सभी में प्रोटोजोआ प्रेजेंट होते हैं। इन द सॉइल एंड इवन द डेड रिमेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दे कॉज डिजीज लाइक मलेरिया। तभी तो बोलते हैं अपन कि पानी नहीं भरा रहने दो, क्योंकि ये प्रोटोजोआ आ जाते हैं उसमें। पानी ज़्यादा दिनों तक भरा रहता है तो उसमें क्या आ जाते हैं? प्रोटोजोआ आ जाते हैं। और वो प्रोटोजोआ कौन से होते हैं? जो कि मलेरिया डिसीज लाते हैं, हम मच्छरों को के लिए, मलेरिया वगैरह के लिए। आजकल हॉस्पिटल्स वगैरह में या टीवी में तुम लोग सुनते हो ना कि ज़्यादा दिनों तक कहीं भी पानी इकट्ठा नहीं होने दो, क्योंकि दे कॉज डिसीजेज लाइक मलेरिया। ये रहते हैं उसमें प्रोटोजोआ। इनके देखो, ये अमीबा इनका नाम है। ये आगे तुम स्ट्रक्चर इनके बारे में जानोगे दूसरी क्लासेस में। अभी आपको सिर्फ इनके प्रोटोजोआ का शेप एंड स्ट्रक्चर जानना है कि ये कैसे होते हैं। देखो, ये चप्पल जैसा पैरामीशियम इसका नाम है, इसका नाम अमीबा है, ये योग्लिना। ऐसे ये अलग अलग टाइप के होते हैं। देन वायरसेस क्या होते हैं? अभी कौन सा वायरस फैल रहा है इन दिनों? इन दिनों कोरोना वायरस फैल रहा है। कोरोना इज आल्सो अ वायरस। वायरस आर द स्मॉलेस्ट माइक्रोब्स। ये इतने छोटे होते हैं कि हमें माइक्रोस्कोप, क्या ये हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पड़ते हैं। वायरसेस लाइक बैक्टीरिया आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। वायरसेस भी सभी जगह, जैसे बैक्टीरिया सब में होते हैं, इन एयर, इन वाटर, इन सरफेसेस ऑफ द डेड एंड एनिमल्स, एंड रिमेन कहीं भी, किसी भी प्लेस पर, कोई पानी वाली जगह पर, सब जगह ये वायरसेस इन द एयर, सॉइल, सब जगह प्रेजेंट रहते हैं। दे आल्सो कॉज डिसीजेज लाइक कॉमन कोल्ड, मीजल्स, मम्स एंड पोलियो। इनसे कुछ डिसीजेज के नाम आपको दिए हुए हैं, जैसे कॉमन कोल्ड है, मीजल है, मम्स है, और कोविड भी आप कोरोना वायरस के कारण होता है, पोलियो, ये इन्हीं वायरसेस के कारण होती है। इनके लिए ही वैक्सीन बनाई जाती है। ओके,